एग्जांपल नंबर 18 निश्चित समाकलन इंडेफिनिट इंटीग्रल चैप्टर नंबर 10 12 में साध्वी सीखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी कोई भी बोर्ड हो कॉम्पिटिशन हो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, केयरफुली करें। प्रश्न प्रॉपर्टी की लगेंगी इसके अंदर, लिमिट दे रखी है 0 से पाई बाय 2 sin x स्क्वायर x sin x + cos x। तो हमने जो फोर प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसके बारे में 0 से a fx dx इसके अंदर था, 0 से a रखें और f ऑफ a माइनस x का सकते हैं। प्रॉपर्टी सारी पहले ही याद करें, इस प्रॉपर्टी को यूज करें। अब हमें कैसे डिसाइड करेंगे कि प्रॉपर्टी यही लगेगी, यहां पर देखो इसको ऑब्जर्व करो, यहां sin x + cos x है, तो अगर मैं a माइनस x यानी कि यहां पर पाई बाय 2 माइनस x करता हूं तो ये बन जाएगा cos x और ये बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस x की वजह से sin x, यानी जो डिनोमिनेटर वैल्यू है ना वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल ध्यान रखें, तभी अपन p4 लगाएंगे एक बार। दूसरा इसके अंदर अगर ये sin स्क्वायर x है, अगर मैं यहां पाई बाय 2 माइनस x रखूंगा ना तो ये cos स्क्वायर x हो जाएगा और दोनों को जोड़ने से 1 हो जाएगा, यानी बहुत ही सिंपल वे के तरीके सॉल्व करने का क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं, इसकी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब आप इसमें इस प्रॉपर्टी के थ्रू देखिए, 0 से a, यहां 0 है, a की जगह पाई बाय 2 है, तो यहां क्या हो जाएगा f ऑफ a माइनस x हो जाएगा, मींस ये बन जाएगा जहां x है ना इसके अंदर वहां a माइनस x यानी पाई बाय 2 माइनस x देखें, अपॉन इसी तरह से यहां पर ये पाई बाय 2 माइनस x प्लस cos ऑफ, बहुत डिमांडिंग क्वेश्चन है, पाई बाय 2 माइनस। अब 0 से पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा, और cos पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, यहां यूज करें तो ये हो जाएगा स्क्वायर या तो cos स्क्वायर x और यहां हो जाएगा ये cos x और प्लस का ये साइन x यानी 3x। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकंड, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड दोनों को आप ऐड करते हैं, तो यहां पर भी लेफ्ट का कितना आ रहा है, i आ रहा है, इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो i और i कितना हो जाएगा 2i और लिमिट तो सेम रहेगी। इन दोनों वैल्यू के बारे में ऑब्जर्व करें, दोनों के डिनोमिनेटर वैल्यू सेम है, sin + cos ये sin + cos, तो इनका एलसीएम हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दोनों वैल्यू सेम है तो न्यूमेरेटर वैल्यू को ऐड कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये कॉस स्क्वायर एक्स और हमारे पास आ जाएगा ये डी एक्स। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है, तो इसको लिखते हैं 0 से पाई बाय 2 ये 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऑफ डी एक्स, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। अब मैं अब इसमें स्पॉस इक्वेशन जगह काम है तो उसको रिमूव कर लेता हूं और जो इंटीग्रेशन है यहां देखो मिस्टेक क्या होती है, आप यहां सीधा आई लिख देते हो, ये आई नहीं है, यहां कितना है 2i है, पूरा ध्यान रखिए 0 से पाई बाय 2 यहां कितना पड़ा है 1 upon sin x plus cos x and dx, बाकी चीजों को रिमूव कर सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन के अंदर जब 1 upon sin x plus cos x हो जाएगा तो एक काम करो, फॉर्मूला याद रखो sin x equals to 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2 आप इन फॉर्मूला, और cos x equals to 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus ट्रिग्नोमेट्री वाले जो फॉर्मूले हैं ये याद रखिए।
जब कभी भी वन अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाए ना, या साइन प्लस कॉस, या कोई नंबर भी हो सकता है, कोई कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, उस केस के अंदर ये यूज करते हैं। तो यहां पर हमारे पास इस सिचुएशन के अंदर साइन एक्स ले लेते हैं, टू टेन एक्स बाय टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू एंड डीएक्स। अगर वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू दोनों में तो कॉमन ले लो और ये फिर ऊपर चला जाएगा। तो या एलसीएम लेके भी करें एक ही बात है, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू और ये डीएक्स, यहां हो जाएगा टू टेन एक्स बाय टू प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। अब देखो ये हमारे पास में वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन ये वन और ये प्लस का टू टेन एक्स बाय टू माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू और ये भी है। अब आप इसमें देखो टेन एक्स बाय टू को मैं टी डेट कर सकता हूं, टेन एक्स बाई टू इक्वल टू टी। तो इसका डिफरेंशियल अब तो ऑर्डर कर लिया, इतनी सारी प्रैक्टिस हो गई है। टेन एक्स बाई टू का डिफरेंशियल कितना होगा, टेन का सेक स्क्वायर एक्स बाई टू को एक्स कंसिडर किया है, इसे एक्स बाई टू का हो जाएगा वन बाई टू और टी का डी टी अपॉन डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू टू डी। यहां पर एक बात ध्यान रखने की बात है, यहां पर जब लेट करते हैं ना तो इसके अंदर वापस टी की वैल्यू नहीं रखते हैं, इसमें लिमिट को चेंज कर लेते हैं। तो लोअर लिमिट हमारे पास जीरो है व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो, पहले इंटीग्रल में एक्स में था तो एक्स इक्वल टू जीरो है, तो यहां जहां एक्स है ना वहां जीरो रखो, तो जीरो अपॉन टू जीरो हो जाएगा और टेन जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आ जाएगी, तो टी की वैल्यू इस केस में जीरो हो जाएगी। जब पाई बाय टू है एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू, तो यहां पर यहां देखो जहां लेट किया जहां मानना है एक्स की जगह पाई बाय टू रखो, तो पाई बाय टू के एक टू पहले से नीचे पड़ा है तो पाई बाय फोर हो जाएगा, तो टेन पाई बाय फोर की वैल्यू टेन फोर्टी फाइव, टेन फोर्टी फाइव वैल्यू कितनी होती है वन होती है, तो इस केस के अंदर टी की वैल्यू वन हो जाएगी। तो अब नई लिमिट के साथ इस क्वेश्चन के अंदर हम एंट्री करेंगे वापस, तो सिचुएशन हमारे अभी अंडर कंट्रोल है, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें, ये भी हटा दें। ध्यान दें वापस यहां फाइव नहीं लिखना है, ध्यान रखें टू वाई चल रहा है और ये जीरो से, अब जीरो से पाई बाय टू था अब उन्हें लेट किया ना, तो सेक स्क्वायर एक्स बाय टू बी एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाय टू बी एक्स जीरो तो आ जाएगा, कितना आएगा ध्यान रखो टू डी टी, ये टू यहां पर और ये डी टी इसकी जगह इन दोनों की जगह, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं वन अपॉन वन प्लस टू टी माइनस ये टी स्क्वायर। अब आप इसमें देखो यहां पर इसमें लिमिट की बात करें तो लिमिट कितनी है इसके अंदर, जीरो से वन है क्योंकि चेक कर लेते हैं अपन ने, ये जीरो से वन इसके अंदर लिमिट हो गई। अब आप उसको ना परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे पहले उसके बारे में सोचो। तो देखो ये टू से एट आप कैंसिल कर सकते हैं, तो मेरे पास यहां आता वापस आई बन गया, बिल्कुल ध्यान रखिए परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग, ये माइनस का टी स्क्वायर टू टी माइनस वन और प्लस वन भी करना पड़ेगा, एक वन पहले से पड़ा है तो ये क्या हो जाएगा टू हो जाएगा जी ठीक। इसको कॉपी करिए रिमूव कर सकते हैं, अब टी को वापस वैल्यू नहीं रखनी, लिमिट चेंज कर दिया जीरो से वन वन अपॉन टू माइनस ये कितना हो जाएगा देखो वन माइनस टू टी और प्लस का टी स्क्वायर ए डी टी, ये जीरो से वन वन अपॉन टू माइनस इसको मैं लिख सकता हूं टी माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है ना, वन माइनस टी का होल स्क्वायर
थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर लिखे आप इसको, और ये जो टू था ना इसको आप रूट टू का स्क्वायर, तो फॉर्मूला बन गया वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, क्या था फॉर्मूला कहता है वन अपॉन टू ए, ए का मतलब कौन है रूट टू, और लॉग ऑफ ए प्लस एक्स हो गया रूट टू प्लस ये एक्स जगह कितना टी माइनस वन रूट टू ए माइनस एक्स, ये वैल्यू माइनस में आएगी तो यहां ये प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास में प्लस सी। अब इसमें एक बात देखो लिमिट कितनी चल रही है, प्लस सी तब लगा रहे तो लिमिट नहीं हो, फॉर्मूला में प्लस सी था, अब यहां सी यूज नहीं करना है क्योंकि लिमिट चल रही है, डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट का यूज करते हैं तो प्लस सी नहीं लगाते हैं, ये जीरो से। अब आप लिमिट डालो इसके अंदर अपर माइनस लोअर, यहां चल रहा है वन अपॉन टू रूट टू और अपर अपर कितना है वन है, इस यहां वन रखते हैं तो लॉग ऑफ ये वन रखिए वन माइनस वन तो हो जाएगा जीरो, सिर्फ कितना आएगा रूट टू अपॉन यहां टी की जगह वन रखेंगे तो वन माइनस वन ये जीरो हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा ये रूट टू माइनस लोअर, लोअर में कितना है जीरो है जहां टी वहां जीरो लिखते हैं, यहां अगर जीरो लिखूंगा तो रूट टू माइनस वन आ जाएगा और यहां पर जीरो लिखूंगा तो रूट टू प्लस वन आ जाएगा और ये हमारे पास में लिमिट अप्लाई हो चुकी है। अब देखो ये रूट टू कैंसिल होकर वन आएगा, वन अपॉन टू रूट टू लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है माइनस लॉग ऑफ रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू प्लस वन। अब ये जो माइनस है ना ये माइनस अगर इसके ऊपर ले जाए लॉग की प्रॉपर्टी के थ्रू तो ये आपस में उल्टे हो जाएंगे प्लस बनाने के लिए, तो इसको कैसे करें देखो वन अपॉन टू रूट टू ये माइनस, या तो आप इस माइनस को यहां रख ले नहीं तो सबसे बेस्ट ये रहेगा लॉग ऑफ रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू प्लस वन होल पावर ये माइनस वन हो जाएगा, है ना पावर इसमें ये वैल्यू इसके मल्टीपल जो वैल्यू होती है ना वो पावर में इसके जा सकती है, प्रॉपर्टी लिख के बोलो कौन सी लॉग ऑफ एम की पावर एन इक्वल्स टू एन लॉग एन, अगर एन आगे होता है तो पावर में आ जाता है एन की। अब ये माइनस वन है इसको प्लस वन कैसे बना सकते हैं, एक्सपोनेंट्स में हमने पढ़ा है, इसको ले सकते हैं लॉग ऑफ रूट टू प्लस वन और ये रूट टू माइनस वन प्लस हो जाएगा, ये आंसर भी ठीक है लेकिन आप इसको क्या करते हैं रैशनलाइज कर देते हैं, है ना रैशनलाइज करने से क्या मिलेगा इसको हटा दो कॉपी कर लेते हैं। अब हमारे पास ध्यान रखे आई चल रहा है, अब एक टू आई नहीं है टू कैंसिल हो गया बिल्कुल वेरी क्लोज टू आंसर है, तो अब इसमें आई इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू रूट टू लॉग ऑफ रूट टू प्लस वन और ये रूट टू माइनस वन, इसमें यहां पर इसके ऑपोजिट साइंस है रूट टू प्लस वन और ये रूट टू प्लस वन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें तो आ जाएगा वन अपॉन टू रूट टू लॉग ऑफ ये हो जाएगा रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर यानी रूट टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर वन अपॉन टू रूट टू लॉग ऑफ रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर में रूट टू का स्क्वायर कितना होगा टू होगा, वन का स्क्वायर वन होगा टू माइनस वन वन हो जाएगा वन अपॉन टू रूट टू लॉग ऑफ रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर। अब प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखी थी लॉग एन की पावर एन एन लॉग एन, तो ये जो पावर टू है ना उस प्रॉपर्टी के थ्रू टू आगे आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में तो इंटू टू लॉग ऑफ रूट टू प्लस वन टू से टू कैंसिल, तो हमारे पास जो रिजल्ट बना ना वो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल्स टू वन अपॉन रूट टू लॉग ऑफ रूट टू प्लस वन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत केयरफुली सॉल्व करें और ऐसे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए सारी प्रॉपर्टीज ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत अच्छी से पता होने चाहिए तब ऐसे क्वेश्चंस, और एक पेशेंस धैर्य वो जरूरी है, बहुत फास्ट करेंगे तो कहीं की मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं, और टू आई है या आई है इसका आगे जाके पेज चेंज करना है तो ध्यान रखिए
वापस टू आई लिखना है या आई लिखना है, क्रॉस चेक करते रहे ताकि आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए वापस ध्यान रखें प्रॉपर्टी यानी गुणधर्म बहुत अच्छी तरह से याद कर ले तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्री के जो सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला होते हैं वो फॉर्मूला भी पूरे याद रखना, हाफ एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, सारे फॉर्मूले आपको एक लिस्ट के अंदर क्लिक करके याद कर ले जिससे हमारा सब पता चल जाए। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।